नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। निकाय चुनाव की सरगर्मियों के बीच कल मतदान होना है और कल पहले चरण के मतदान के बाद अगला चरण 11 मई को होगा और उसके बाद 13 मई को परिणाम आएंगे। तैयारियां पूरी हैं और सभी राजनीतिक दलों ने यहाँ पर पूरी तरह से अपने आप को लगाया हुआ था और कल चुनाव होगा, कल मतदान होगा और बहुत कुछ चीज़ें स्पष्ट भी हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर मतदान का परसेंटेज होता है, प्रतिशत होता है, वो भी बहुत कुछ स्थापित करता है, निर्धारित करता है। खैर, चुनाव महत्वपूर्ण है। उस चुनाव के बीच में जिस तरह से राजनीतिक मनसाओं की बात की गई, दल बदलने की बात की गई, पार्टी द्वारा छोड़ने की बात की गई और सत्ता पे आसीन बीजेपी के लखनऊ महानगर के 35 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर बीजेपी द्वारा हटा भी दिया गया कि उन्होंने बीजेपी के विरोध में खुद निर्दलीय प्रत्याशी बन गए थे। भाई, सत्ता सबको चाहिए है और कुर्सी पे हरानी बैठना चाहता है। अगर आपकी स्वयं की पार्टी नहीं बैठाएगी तो आप निर्दलीय बैठेंगे और जब निर्दलीय बैठेंगे तो फिर बीजेपी या कोई भी पार्टी हो वहाँ पर कार्रवाई से पीछे नहीं हटती हो या कार्रवाई हुई। खैर, दल बदलने की परंपरा, कार्रवाई की परंपरा, ट्वीट की परंपरा और इन परंपराओं के बीच में एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो चुनावी घमासान है इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी मोर्चे पर रहे, संग में दो अपने डिप्टी सीएम उनके साथ भी रहे, तो अखिलेश यादव भी यहाँ पर पूरी तरह से मेहनत करते नजर आए, रबर फ्रंट पर प्रेसवार्ता की और उसके द्वारा भी उन्होंने तमाम कुछ बातें कहीं और यहाँ तक कि आज भी ट्वीट के माध्यम से उन्होंने कह दिया कि इस बार बीजेपी हारेगी और ये हार बीजेपी के लिए 24 के लिए बड़ी चुनौती साबित होने वाली है। खैर, राजनीतिक बयानबाजी होती, ट्वीट होता रहता है, पर राजनीतिक बयानबाजी का मुद्दा क्या है, अर्थ क्या है और इसके संदेश क्या है? संदेश केवल एक है कि जनता के बीच में एक लहर बनाना कि बीजेपी का यहाँ नुकसान हो रहा है और बीजेपी भी यहाँ पर एक समझदार पार्टी की तरह आगे बढ़ती, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है कार्यकर्ताओं के हिसाब से और यहाँ पर वो भी स्पष्ट रूप से कहती है कि यहाँ पर हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं को हमेशा उत्साह में रखा जाता है, हम हमेशा चुनावी रणनीति में रहते हैं, चुनावी मोड में रहते हैं और जनता के बीच अपने जो काम है पहुँचाने के साथ साथ जनता के लिए काम करते रहते हैं, हमेशा धरातल पर रहते हैं। तो यहाँ पर हमारा नुकसान नहीं बल्कि यहाँ विपक्षी पार्टी अपने आप को बचाएं, क्योंकि यहाँ पर विपक्षी पार्टियों को एक साथ बढ़ने के लिए जुड़ना पड़ रहा है, एक साथ आने पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो लड़ाई है वो महज निकाय चुनाव की नहीं है, ये लड़ाई 24 के पहले की है। ये लड़ाई स्पष्ट कर देगी कि जनता ने किसका साथ दिया है, क्योंकि अखिलेश यादव ने ट्वीट करके यही कहा है कि चुनाव के परिणाम से बहुत कुछ निर्धारित होने वाला है। तो निर्धारित क्या होगा और जनता के भी संदेश क्या जाएगा और जनता जनार्दन इस बार जनाधार किसको देगी, महत्वपूर्ण चर्चा विषय है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, रूबरू करा लूं। प्रवक्ता भाजपा से बेगू श्रीवास्तव अपनी बात रखें, प्रवक्ता सपा से जयप्रकाश पांडे अपनी बात रखें, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से सईद मोहम्मद तकी अपनी बात रखें, प्रवक्ता कांग्रेस से अभिमन्यु त्यागी अपनी बात रखेंगे और विशेषक रूप में यहाँ पर दिलीप यशवर्धन भाई अपनी बात रखेंगे। आप सभी मेहमानों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा वो विवेक श्रीवास्तव से रहेगा। विवेक भाई, अखिलेश ट्वीट किए हैं बीजेपी हार रही है, हारेगी, और हमने जैसे क्वेश्चन किया तो आपने मुस्कुरा दिया है, ऐसा मैंने कौन सी बात पूछ ली जिसने आपने मुस्कुराहट आ गई? खैर, वो ट्विटर से ही पूरी पार्टी चला रहे हैं, वो अच्छा? ट्वीट से नगरीय निकाय का चुनाव संचालित करना चाहते हैं। अच्छा, यही बात तो उनके शुभचिंतक, उनके विरोधी, उनके समर्थक कहते हैं कि अखिलेश जी ऐसी कमरे से निकलिए, ट्विटर से पार्टी चलाना बंद करिए। अच्छा, वही आप बता रहे हैं कि उन्होंने ट्वीट किया है, तो उस ट्वीट को ना तो उनके कार्यकर्ता ना उनके लोग गंभीरता से लेते हैं। आप ट्वीट पर इतने यानी आग बबूला क्यों हो रहा है? तो आप लोग भी करते हैं, तमाम तरह ट्वीट आते हैं, हम संविधान आप भी जताते हैं, खुशी आप भी जाहिर करते हैं, तो क्या दिक्कत? बिल्कुल करते, अरे वो ट्वीट करे तो आपको तकलीफ हो रही है। ट्विटर से पार्टी नहीं चलाते। अच्छा, पार्टी नहीं चलाते? अच्छा, हम ट्विटर से चुनाव का संचालन नहीं करते। अच्छा, हमारा कार्यकर्ता 365 दिन 24 घंटे जनता के बीच रहता है, बूथ बूथ तक हमारा संपर्क है, संवाद है। अच्छा, और हम ट्विटर से पार्टी नहीं चलाते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ हर स्तर का व्यक्ति इस चुनाव में लगा हुआ है। आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी की सभाएं हो रही हैं जी, उपमुख्यमंत्रियों की सभाएं हो रही हैं जी, तमाम अन्य नेता इस चुनाव में लगे हुए हैं जी, और जगह जगह वार्ड से लेकर के जी मेयर या टाउन एरिया चेयरमैन जो भी चुनाव हो रहे हैं जहाँ भी, सब प्रत्याशियों के लिए कैसे उनको भारी बहुमत जिताया जाए उसके लिए पूरा संगठन हमारा लगा हुआ है। और हम ट्वीट करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने कर्तव्यों की इससे नहीं कर लेते। अच्छा,
हम जमीन तक जा रहे हैं। अच्छा, चाहे भारत सरकार के कार्य हो, चाहे प्रदेश सरकार के कार्य हो, और पूर्व में जहाँ हमारी नगरीय निकायों में सत्ता रही है वहाँ हमने जो कार्य किए हैं, जिस तरह का स्वच्छता अभियान हमने चलाया, जिस तरह से हमने लोगों को स्मार्ट सिटी के वादे किए थे, स्मार्ट सिटी पर जिस तरह से हमने तेजी से काम किया है, बनी गया, चाहे घर घर गैस पहुँचाने, बिल्कुल काम चल रहा है। अच्छा, काम चाहे सीवर का काम हो, चाहे घर घर गैस पहुँचाने का काम, देखिए निर्माण का कार्य सतत चलने वाला होता, कभी एक वर्किंग प्रोसेस कभी बंद नहीं होता, जी चलता रहता है। अच्छा, तो ऐसे तमाम अभियान जो हमने पूर्व में लिए थे उन सब की चर्चा के साथ जनता के बीच जा रहे हैं, और जनता ने जिस तरह से अभी पूर्व के दिनों में योगी आदित्यनाथ जी के सफाई अभियान को देखा है, अच्छा, चाहे वो अपराधियों का सफाया हो, अच्छा, चाहे भ्रष्टाचारियों का सफाया हो, अच्छा, और जिस तरह का सुशासन भारतीय जनता पार्टी के शासन में जनता को मिल रहा है, जनता को उसकी आदत पड़ गई है। अच्छा अच्छा, और जनता बार बार आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दे रही है। अच्छा अच्छा, और हमें पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमें कल भी प्राप्त होगा, और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार अभियान चला था क्या बुल्डोजर, वो भी सफाई अभियान था क्या, जो माँ बेटी जल के मर गई थी? देखिए वो अतिक्रमण के विरुद्ध था वो कार्य, पूछ लिया, कोई भावावेश में अगर कोई इस तरह की घटना कर लेता है, उसमें जाँच हुआ, तमाम अधिकारी जो मौके पर थे जो इस कार्य को न रोक सके उनके ऊपर कार्रवाई की गई। जी ठीक है, प्रवक्ता सपा जयप्रकाश भाई आप भी मुस्करा दिए बेबी भाई की बात पर, और उन्होंने कहा ट्विटर वाली पार्टी है भाई, ये मैं बेबी बसियास तो नहीं बोल रहा है, ये सब बोलते हैं, आपके सहयोगी संगठन में रहे ओमकार राजभर वो भी कहते रहे कि एसी से बाहर निकलिए, ट्वीट से बाहर निकलिए, ये ट्वीट वाली राजनीति, ठीक है ट्वीट अपनी व्यवस्था है, सोशल मीडिया का माध्यम है और अपनी बात पहुँचाने का एक अच्छा माध्यम है, पर जिस तरह से बेबी श्रीवास्तव बोल रहा है कि ट्विटर वाली पार्टी, ये नया नाम मुझे समझ में नहीं आया, जवाब आपको देना है। देखिए ये तो बड़ा अच्छा है, चूंकि अभी एक ऑडियो वायरल हो रहा है जी, और माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय के दो बड़े खास लोगों का है। अच्छा, और उसमें अगर आप देखेंगे तो चूंकि इनके फॉलोअर कितने जमीन पे हैं जी, सोशल मीडिया की सबसे बड़ी विंग इन्हीं के पास है। अच्छा, लेकिन ट्विटर ट्रेंड कराने के लिए क्या कीमतें देते हैं, कैसे कैसे अपने हक में लिखाने के लिए सोने की कलम पहुंचाते हैं। अच्छा, वो ऑडियो आप पत्रकार हैं सुने होंगे जी, तो और हमारे प्रतिपक्ष के लोग अखिलेश जी की जो सोशल मीडिया पे या जमीन पे लोकप्रियता है, कम से कम वो उधार की बैसाखी से तो नहीं है। अच्छा, और दूसरा अब सोशल मीडिया को अगर मानक मान लिया जाए कि सबसे ज्यादा सक्रियता समर्पित लोग, सबसे ज्यादा मतलब तथा कथित रीच, तो वो तो कटघरे में ही नहीं, वो एक कैफे आदमी साहब कहते थे कि समझ के मेरा माल जिसे चुराया है तूने पड़ोसी, कहीं वो तुम्हारी आबरू तो नहीं, चूंकि ये जन आंदोलन से तो पैदा ही नहीं हुए सरकार। अच्छा, ना गांव गरीब किसान की लड़ाई लड़े। अच्छा, न सामाजिक न्याय के आंदोलनों से लेना देना रहा। अच्छा, पूरे आजादी से आज तक एक सांप्रदायिक नफरत फैला के दंगा का वातावरण करके ये थोड़ी बहुत उपस्थिति अपनी महानगरों में दर्ज कराते रहे। अच्छा, और आज भी महानगरों के, जब ये हम बहन जी की सरकार थी ये नंबर 3 पे थे। अच्छा, मतलब दूसरे पे हम थे तब भी महानगर में सक्रिय रहते थे जी। तो महानगरों की जो मतलब भौतिक सुविधा अगर गांव के बरक्स देखेंगे, जो स्ट्रीट लाइट है या बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है पार्क का या पेयजल का स्वास्थ्य का, तुलना में गांव के बेहतर होता है, बड़े बेहतर तो नहीं होते जी, जी। तो ये शहर में केंद्रित ही रहे जी। तो अगर गांव के बरक्स कोई गांव में संघर्ष कर रहा है, चाहे वो सामाजिक न्याय के लिए या बुनियादी सुविधा के लिए, सहभागिता के लिए, और एक शहर में केंद्रित है, तो निश्चित रूप से गांधी जी लोहिया जी के सपनों का जो भारत था, या किसी भी आइडियोलॉजी में जो हासिए के आदमी के हक के लिए लड़ना है, वो ज्यादा सम्मानित काम है, वो हम करते ही रहे। अच्छा, तो पहली बात तो सोशल मीडिया की बात है, हम पे न लगा कर पूरी पार्टी ही सोशल मीडिया की नीली स्क्रीन पे है। अच्छा, और मोदी जी के ट्विटर अकाउंट अगर आप सर्च करके गणना करेंगे तो जितने भारत में कुल अकाउंट नहीं उससे ज्यादा तो फॉलोअर है, उसकी बात करेंगे तो पूरा उसी पे समय चला जाएगा। अच्छा, लेकिन जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि इस बार इनकी विदाई हो रही है। अच्छा, तो विदाई होने के कई कारण है। देखिए, अच्छा, इनकी बात मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था जी। ये अच्छे प्रवक्ता भी हैं, चूंकि कभी कभी अपने सरकार के खिलाफ भी बोलने का साहस करते हैं जी, बिल्कुल देखा। लेकिन इन्होंने जो स्थानीय निकाय के एक मुद्दे पर, चूंकि स्थानीय निकाय कोई कानून व्यवस्था थोड़ी करती है, पार्षद करेगा, गृह मंत्री बनेगा क्या पार्षद, पार्षद का तो काम यह है नहीं,
लेकिन जो नगर की बुनियादी चीज है जो इनके विषय में आती है तीसरी सरकार के जी, वो तो जाहिर है कि सड़कों की मतलब सफाई करा दें, नाली की व्यवस्था करा दें, सीवर साफ कर दें, स्ट्रीट लाइट साफ रहे, अच्छा, पार्क की व्यवस्था दुरुस्त कर दें, यही तो उनकी विषय है अच्छा, बुनियादी तौर पे अच्छा, कुछ नगर निगम के पास सरप्लस फंड है तो वो रैन बसेरे बना दे, स्कूल और छोटे मोटे हॉस्पिटल संचालित कर ले चले। अगर इस पे अगर आप देखिए तो ये तो फेलियर है, कहने की ही बात नहीं है। कहीं भी कूड़ा उठाने के लिए इनको भारत का आदमी नहीं मिलेगा। इको ग्रीन लखनऊ में ही एक चाइना से इतना प्रेम है कि वो चाइना की कंपनी को देंगे। अब कूड़ा उठाने लायक भी क्षमता हमारी नहीं है। सिवरी प्लांट चले जाइए, कूड़े का ढेर लगा हुआ है लखनऊ में ही। और जो मतलब पानी की व्यवस्था है या सीवर की, जैसे ही शहर के थोड़ी सी दूर वाली जहां विकास प्राधिकरण से आगे की जमीनों पे चले जाइए, आप हकीकत से वाकिफ हो जाएंगे। तो इस स्तर पे फेलियर है। लेकिन एक नुकसान इनको जो सबसे बड़ा होने जा रहा, चूंकि इनकी आदत है कि ये प्रधानी से लेके लोकसभा तक का चुनाव एक फोटो पे लड़ते हैं अच्छा। और मोदी जी कहते भी हैं कि आपका एक एक वोट मुझे है, इसको नहीं है अच्छा। तो एंटी इनकम्बेंसी जब है वो कलेक्टिव आ रही है अच्छा। क्योंकि इस बार पाप का घड़ा भर गया है इनका, पाप का घड़ा भर गया है। तो चाहे पुलवामा सतपाल मलिक जी के घटना से जो इनकी राष्ट्रभक्ति पे प्रश्न चिन्ह लगा या हकीकत अच्छा। बया हो गई है अच्छा। या फिर कहिए कि मतलब इनकी डिग्रियों के जो दूसरे पे मजाक उड़ाने वाले हार्वर्ड और हार्डवर्क की बात करते थे, तो इनकी जो डिग्री तथा कथित हार्वर्ड की है उस पे प्रश्न चिन्ह लगा है अच्छा। या फिर कहिए कि इधर हमारी मादरे हिंद की बेटियां जंतर मंतर पे हैं, उस पे प्रश्न चिन्ह लगा है। तो ये सबसे जो तथा कथित इनकी इमेज थी अच्छा। हिंडनबर्ग सहित मैं बता रहा हूँ, वो डेंट हो तथा कथित, उसमें बहुत कुछ कहना तो फिर डिबेट ही डिरेल हो जाएगी अच्छा। तो आप भी जानते हैं जी। तो मोदी जी की जो मतलब इमेज थी वही डेंट हुई। और ये सच है कि इनके विधानसभा में औसत मतदान हो जी। या ये तो बहुत कम होता है स्थानीय निकाय में जी। मोदी जी के आने से 8-10% का वोट शिफ्ट होता था अच्छा। तो जब कहा जाता है ना कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, तो वो चिराग ही बुझ गया है। अब इनका क्या होगा? जब चिराग बुझ जाता है तो जान लीजिए कि डायनासोर अपने वजन से ही दफन हो जाता, उसे कोई मारा नहीं था अच्छा। तो विश्व की सबसे बड़ी क्या संज्ञा दे रहा है कि चिराग के डायनासोर, मैं बता रहा हूँ आज मोदी जी के जो मतलब दुनिया के सामने मतलब उनका जो उड़ा हुआ एक इवेंट से बनाया हुआ चेहरा था अच्छा। तथा कथित राष्ट्रभक्ति का सुचिता का अच्छा, तो वो सब तो जाहिर है सबके सामने आ गया अच्छा। तो डेंट असली नेतृत्व पे लगा है। एंटी इनकम्बेंसी थर्ड लेवल तक आएगी। दिल्ली से विदाई इसीलिए हो गई इनकी इतने दशकों बाद। तो अब उत्तर प्रदेश में भी इस बार निश्चित रूप से साफ हो जाएंगे अच्छा। और समाजवादी, चूंकि ये अच्छा है कि जो भी जीत रहे 17 में से नहीं, वो तो अब संख्या को मैं जोड़ी थोड़ी हूँ, ये काम भाजपा वाले करते हैं अच्छा। लेकिन ये जरूर है कि इनकी विदाई होगी और उत्तर प्रदेश में लड़ाई नेट टू नेट है या अच्छा। कहीं भी भारत में ये काम तो इन्होंने कर दिया अच्छा। कि हर जगह दो ध्रुवी चुनाव होता है, बहुकोणी कहीं होता ही नहीं अच्छा। और उत्तर प्रदेश के सूबे में अगर सांप्रदायिक फिरका प्रस्ताकतों को शिकस्त देना है तो वो समाजवादी नेतृत्व में ही होगा, इसमें कोई संदेह है। ठीक है ठीक है ठीक है। प्रवक्ता कांग्रेस अभिमन्यु भाई, यहाँ पर तमाम चर्चाएं चली, सीवर की, लाइट की, रोड की, कई सरकारें रहीं। मुझे समझ में नहीं आता कि जब लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं तो खुद की सरकारें क्यों भूल जाते हैं? क्यों आदमी ऐसा बोलता है कि हमने बेहतर काम किया? भाई अगर आपने बेहतर, बसपा सरकार भी रही, चार बार सपा सरकार भी रही, बीजेपी सरकार रही 6 साल से फिर है, तो इतना काम निकाय में क्यों नहीं हो पाता कि वो काम इतिहास बन जाए या काम वो अच्छा हो जाए, अमर हो जाए? भाई अच्छी रोड अगर बनाएंगे, अच्छी व्यवस्था आप कर देंगे, तो मेरे ख्याल से जो आपकी जो एक अमर हुए मुद्दे में, अमर हुए मुद्दे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुद्दे अमर हो चुके हैं, सीवर, बजबजाती नालियाँ, जल भराव, संक्रमित बीमारियाँ, तो ये तो आम हो गई है। पर तमाम सरकारें गुजर गई पर स्थिति जस की तस है। सब एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे और सबको पता है कि सबने किया क्या है। प्रवक्ता कांग्रेस अभिमन्यु त्यागी, क्या जवाब है आपका? गौरव जी, आपको और पैनल सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम जी। देखिए गौरव जी, अब देश आजाद हुआ तो देश का ढर्रा क्या था सब लोगों को पता है। पांव में पहनने की चप्पल नहीं थी, छत नहीं थी, एक और पिन की फैक्ट्री देश में नहीं थी जी। तब प्राधिकरण का निर्माण हुआ, आवास विकास का निर्माण हुआ, बस अड्डे से लेकर हवाई अड्डे तक का निर्माण हुआ, रेलवे की लाइन बिछाई गई, ये तो बदस्तूर जारी रहा और सरकारें आती जाती रही, सबने इसमें कुछ ना कुछ आहुति दी जी। लेकिन जो हाल की सरकारों में देखने में आया, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छा, जिस तरह का मैनिफेस्टो ये लेकर आए, उसका 10% भी अपना वादा नहीं पूरा कर पाए। इन्होंने कहा स्मार्ट सिटी लेकर आएंगे, वो एक कदम भी आगे बढ़ पाई है
मल्टी लेवल पार्किंग की बात थी, कहीं भी नहीं पहुंच पाई। वाईफाई की बात थी, वाईफाई क्या इंटरनेट ही ठीक नहीं चल पाता। इसके अलावा कूड़े का ढेर हर जिला नगर निगम ही नहीं, नगर पालिका, नगर पंचायत, अब तो गांव तक पे भी होने लगा है। और वहां से उठता हुआ धुआं, एनजीटी 50,000 का जुर्माना लगाती है जी। लेकिन उस पर कहीं कुछ सुनवाई नहीं है। भ्रष्टाचार का अड्डा बन गए नगर निगम, 40% तक कमीशन तक का आरोप है। तो ये मेरठ में आरोप है, आगरा में झगड़ा हुआ, कानपुर में इस तरीके का आरोप है। बकायदा सदन में खुद भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने ओन रिटेन लिख के दिया भ्रष्टाचार के, लेकिन कान पे जूनी रहेंगी। खुद बनारस में जहां से मोदी जी प्रधानमंत्री है, बनारस में 32 नाले गंगा जी में गिर रहे हैं। अच्छा। अब वहां एसटीवी प्लांट चलता नहीं क्योंकि वो अडानी जी के नाम है। कोर्ट में जब माननीय कोर्ट पूछती है कि गंगा की सफाई क्यों नहीं हो रही है, तो कुछ सरकार हाथ खड़े कर देती है कि एसटीपी नहीं कर पाई क्योंकि वो अडानी जी का प्लांट है। तो भ्रष्टाचार में कौन लिप्त है ये भी देख लेने की बात है। अच्छा। और किसने जो ये विकास की गति थी उसको धीमा करने की कोशिश किया, तो आप पाएंगे वो सब धीमा करने की कोशिश अगर कहीं भी हुई है, देश को धीमा करने की कोशिश, मैं तो ये कहूंगा तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुई है। जिस तरह से नवरत्न कंपनियां थी, सेले घेल भेल सबको बेच दिया, हवाई अड्डे फेंक दिए, पोर्ट फेंक दिए, सब कुछ फेंकने पे ये लगे हुए हैं। इसी तरह नगर निगमों का ढर्रा आप देखिए, पीपीपी मॉडल पर अस्पताल जब चले जाएंगे, अस्पतालों में देखिए किस तरह से मरीज बढ़ते जा रहे हैं। मच्छर का प्रकोप सबको पता है कितना होता जा रहा है लगातार। शिक्षक संस्थाएं जो डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज जो नगर पालिका, नगर पंचायत के पास है, उनका ढर्रा बिल्कुल बेकार हो चुका। अच्छा। सड़कें टूटी है, सरकार 15 दिन बढ़ा देती है, एक महीना बढ़ा देती है। एयरपोर्ट की बात कही, अभिमन्यु भाई क्षतिग्रस्त है। अभिमन्यु भाई आपने कहा बेच दिए, पोर्ट बेच दिए, व्यवस्थाएं बेच दी, बड़े बड़े नवरत्न कंपनियां बेच दी, खरीदा कौन है? देखिए गौरव जी, कोई बाहर का तो आया नहीं, ये नीति जो है जी, खरीदा कौन है? हम तो, हमारे तो अडानी अंबानी जी। ये तो आरोप किस पे लगाया जा रहा है जी? सारी संस्थान BSNL है, 4G आज तक हुआ ही नहीं है। कितना महंगा इंटरनेट हो गया, डाटा से लेके आटा तक महंगा हो गया जी। आप देखें हवाई टिकट देखिए कितना महंगा हो गया। हवाई टिकट पर तो यहाँ कोई कंट्रोल ही नहीं है, 1000 रुपए से 5 ट्रेन का टिकट नियत होता है। और ये बड़ा प्रश्न यहाँ पर ही है, रोडवेज की बस में बैठी है, चारों ओर महंगी एयरलाइंस कंपनियां मनमाने रेट यहाँ पर लगाती है, जब उसका जो मन होता है इंडिया का टिकट भी 30,000 कर देती है। हवाई व्यवस्थाओं पर तो यहाँ पर अंकुश है ही नहीं, बहुत बड़ा प्रश्न है ये, और किसी दिन इस पर चर्चा भी होनी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर कंपनियां मनमाने रेट के हिसाब से यहाँ पर टिकट के जो रेट होते हैं वो घोषित करती है। इनका हिस्सा मिला हुआ है, ये क्यों करेंगे उस पर चर्चा? अच्छा, सरकार तो मिली हुई है, सरकार नहीं करेगी, प्राइम टीवी करेगी, मैं करूंगा चर्चा। 50 लोगों के जवाबदेही बनेगी, 1,00,000 करोड़ रुपए बट्टे, सरकार नहीं करेगी, प्राइम टीवी करेगी, मैं करूंगा चर्चा उस पर। आप सभी लोग आइएगा, चर्चा कराऊंगा। अच्छी बात है, आपकी डिबेट में इसलिए बैठते हैं क्योंकि आप ज्वलंत मुद्दे, जो जनता के मुद्दे, उसको उठाते हैं। बिल्कुल उठाऊंगा, जिम्मेदारी है मेरी, ठीक है। सही मोहम्मद तकी, आम आदमी पार्टी भाई, बड़े मुस्कुराए थे आप विवेक भाई की बात पर, ऊपर वाले ने चेहरा ऐसा दिया मुस्कुराने वाला, तो मैं क्या करूं? मुझे लगा विवेक भाई की बात में मुस्कुरा रहे थे आप। मुस्कुराना तो अच्छी बात है, हम विपक्ष की बातों को मुस्कुरा के टाल देते हैं। अच्छा। हम कहते हैं बीजेपी की बहुत सी बातों को गंभीरता पूर्वक लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा। कुछ बातों पे हद भी देना चाहिए। अच्छा, हद देना चाहिए। तो ये मनोरंजन कर रहे हैं, ईडी को सबके पीछे लगा रहे हैं। अच्छा। इसको उन्होंने एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट ना रखा है। अच्छा। और उस ईडी ने आज कहा है कि संजय, ईडी यानी एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट, और सबको बीजेपी को एंटरटेन कर रही है। अच्छा, सबके ऊपर झूठे मुकदमे लगा के सबको जेल में डरा धमका के सरकारें गिराने काम कर रही है। हाँ। तो एंटरटेनमेंट तो बीजेपी का हो रहा है। अच्छा। आज उस ईडी ने जो संजय सिंह के ऊपर आरोप लगाए थे, आज ईडी कह रही है गलती संजय सिंह का नाम ले लिया। अच्छा। आज वो माफी मांग रही है। राघव चड्ढा के ऊपर उसका नाम लिया उन्होंने शराब घोटाले पे, वहां कह रहे हैं राघव चड्ढा ने मानहानि का दावा कर दिया, अगर मेरी छवि को खराब किया, धूमिल किया, तो मैं इनको देख ईडी को देख लूंगा। तो ईडी ने सबको ग्रांटेड ले रखा है, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो एमएलए हो, सबको। जो ईडी की बात कर रहा हो, ये बीजेपी की कोई विंग है क्या कोई? अब ईडी जो है, पहले जो है यही ये लोग जो है बीजेपी के लोग सीबीआई को कांग्रेस का तोता कहते थे। अच्छा। कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहा जाता था। अच्छा। आज यही लोग सीबीआई को, ईडी को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हर तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं सरकार को गिराने में। अच्छा। और जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने में। अच्छा। मैं आप लखनऊ नगर निगम के चुनाव की बात कर रहे हैं, नगर निकाय की, नगर पंचायत की चुनाव की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूँ। हमारे प्रत्याशी, बारिश हो रही थी, बारिश में जब निकले, आप देखिए क्या। अच्छा। चलिए
बहुत अच्छी बात। अरे यार वीडियो तमाम तरह के वायरल होते हैं, कल एक केंद्रीय मंत्री भी फिसल के गिर गई थी, वीडियो पे मत जाइए। तो चंद लम्हों की बारिश सरकारी दावों का पोल खोल देती है। अच्छा, हम कुछ ना बोले मगर ये सड़कें बोल देती हैं। अच्छा, सड़कें बोल देती हैं। सरकार बड़े दावे करती है स्मार्ट सिटी बनाने की। अच्छा, और करोड़ रुपए का बजट आता है, लेकिन देखिए दो मिनट की बारिश जो है ये सड़कें बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं, सीवर खराब है। कुछ मोहल्ले ऐसे हैं लखनऊ के अंदर, आप मेरे साथ चलिए मैं दिखाऊंगा। मैं पिछले कई दिनों से लगातार भ्रमण कर रहा हूं, चुनाव प्रचार कर रहा हूं, आपकी बहुत सी डिबेट में भी नहीं आ पाए चक्कर में। अब वो जगहें, वो मोहल्ले, वो इंसानों के रहने लायक नहीं रहे। अच्छा, इतनी पतली पतली गलियां हैं, उसमें कूड़ा रखा जाता है, कूड़े से बदबू मीथेन रिलीज होती है और बहुत से लोग बीमार हो रहे हैं। अगर नगर निगम सही से काम कर ले कूड़ा उठाने का, सफाई करने का, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ 70% बीमारियां किसी भी शहर की उसका इलाज हो जाए। अगर निगम सही पानी दे दे, साफ पानी दे, तो लोग पेट की बीमारी से ग्रसित ना हो। बिल्कुल, ये इसी, और सरकार सीख नहीं रही है। अच्छा, आप देखिए गोरखपुर में कितना हादसा हुआ, जेवरिन सेफलाइटिस से कितने बच्चों को ऑक्सीजन की कमी से डेथ हो गई। अच्छा, जेवरिन सेफलाइटिस क्यों होती, मच्छर से होती, मच्छर कहाँ पर, अपने कूड़े के ऊपर। बिल्कुल, हम कूड़े से अपने देश को, अपने शहर को, अपने मोहल्ले को, अपने कस्बे को, जहाँ रहते हैं उसको मुक्त नहीं करा पा रहे। हम विश्व गुरु बड़ी बड़ी, बड़ी बात कर रहे हैं भाई, कूड़ा मत बोलिए, दिल्ली के पहाड़ भी मुझे कूड़े को याद है। दिल्ली के पहाड़ एमसीडी की देन है बीजेपी की, 15 साल में इन्होंने इन्हीं का इकट्ठा किया हुआ भ्रष्टाचार है जो पहाड़ का रूप ले लेता है। अच्छा अच्छा, और उसके ऊपर काम कर रहा है, आपकी हमने बजट ही बढ़ा दिया एमसीडी का। अच्छा, वहाँ रूपरेखा देखी जाती है, काम हो रहा है। आप आ गए तो वो पहाड़ हट जाएंगे। दिल्ली में भी डेंगू से बहुत से लोग मरते थे, आपको याद होगा, कांग्रेस के बाहर की सरकार थी, और जब आम आदमी पार्टी आई तो वहां भी डेंगू एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था, बच्चा आपको लेके भाग गया। लेकिन हमने वहां जो लगातार प्रोग्राम बनाया, जागरूकता का प्रोग्राम बनाया, हर हफ्ते, हर संडे, हर रविवार अरविंद केजरीवाल ने लगातार वहां प्रोग्राम चलाया। अब दिल्ली में डेंगू से कोई मरता नहीं। इससे बड़े दुर्भाग्य क्या होगा कि एक व्यक्ति मच्छर काटने मर जाए। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा लोगों को पैरासिटामोल की गोली ना मिले। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा घर से बाहर निकलते हैं सामने गंदगी के कूड़े दर्शन होते हैं। सरकार चुनते हैं, आप मेरे साथ मौत चली है। एक तरफ मंदिर है, मंदिर जी के भगवान का जिधर रुख है उसकी तरफ कूड़ा रखा हुआ। अच्छा, जिस भगवान के नाम पे आप वोट मानते हैं, जिस भगवान के नाम पे आप शिवंगाम जाते हैं, उन भगवान के मंदिर के आगे से आप कूड़ा साफ नहीं कर पा रहे, उसको पवित्र नहीं कर पा रहे। कुछ मोहल्ले ऐसे हैं, जिस मोहल्ले में एक कालजी वार्ड यहाँ मोहल्ला है जिसके अंदर काशी के बराबर मंदिर है, उसको छोटा काशी कहा जाता है। हर मोड़ पे, हर चौराहे पे आपको वहाँ भगवान की मूर्ति और अवलोकिक मंदिर प्राप्त होंगे। बड़ा खुशी होती है वहाँ। अच्छा, और दुख होता है कि जो मोहल्ला पूरा मंदिर के रूप में है, वहाँ जो मंदिर के अंदर भगवान बैठा है और जो मंदिर के बाहर प्रभु बैठा हुआ है, हमारी जनता बैठी, जनार्दन बैठी है, वो भी हमारे लिए भगवान स्वरूप है, वो दोनों परेशान। दोनों परेशान, बीजेपी ने सबको ठगा, भगवान को भी ठगा और जनता को भी ठगा, किसी को छोड़ा नहीं है। और फिर भी बड़ी कॉन्फिडेंस है कि हम जीतेंगे, जीतेंगे तो हम ही, हमारी सीटें आ रही। कहां सीटें आ रही हैं आपकी? कोई एक काम बता दे विवेक जी, विवेक जी एक काम बता दे, हमारी पार्टी आ रही है क्या? आम आदमी पार्टी इस बार बहुत अप्रत्याशित रूप से जीत के आएगी और आप सबको चौंकाएगी। हमारे साथ बहुत भीड़ जुड़ रही है, पंजाब में बहुत से लोग जुड़ रहे हैं और लोग विकल्प ढूंढ रहे हैं। उत्तर प्रदेश चौंक गए हैं, उत्तर प्रदेश में लोग विकट ढूंढ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस को आप देखा, कांग्रेस जो है वो प्रियंका गांधी जी के पीछे टहला करती है, खुल के वो भी लड़ नहीं पाते। कर्नाटक में डकलिंग, मधुबनी चुनाव लड़ रहे हैं, डकलिंग होती है, डकलिंग देखा होगा आपने। अच्छा, एक बड़ी बत्तख होती है, उसके भी सारे बच्चे टहलते हैं। अच्छा, तो कांग्रेस भी बड़े लीडरों के पीछे घूमती है। अच्छा, उसके बाद ये लोग संघर्ष नहीं करते, सही से सड़क पे नहीं आते और मुद्दे नहीं उठा रहे। कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय बड़ी पार्टी, डस्को, जिसने देश पर राज किया है, आप उसको प्रियंका गांधी के पीछे चलने वाली पार्टी बता रहे हैं? अरे आप, जिसके जिसके बड़े नेता राहुल गांधी ने 35-70 किलोमीटर की यात्रा कर दी, उसको आप हल्का नेता बता रहे हैं? गौरव जी, इंटरलॉकिंग बता रहे हैं, बतख की भी चलने वाली रेल बता रहे हैं, ये बताइए कैसी बात? गौरव जी बताइए, राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो अभियान निकाला जी, जब राहुल गांधी जी वहां से छुट्टी लेते थे वो यात्रा रुक जाती थी। अच्छा, कांग्रेस के अंदर और भी खड़गे साहब भी है। अच्छा, वो भी तो अध्यक्ष थे, खड़गे साहब क्यों नहीं लीड ले रहे थे? अच्छा, और जो उनके नेता है वो लीड क्यों नहीं ले रहे थे? अच्छा, क्यों राहुल गांधी के ही रुख के ऊपर, उन्हीं के चलने पे वो जाता। बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही। तो यहाँ मुझे आपको अच्छी बात कही, मैं आपको इसका जवाब भी देता हूँ। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में संजय सिंह के पीछे चलती है? नहीं, आम आदमी पार्टी चलती क्या? संजय सिंह, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। देखिए हमको संजय सिंह के ऊपर गर्व है, संजय सिंह हमारे जवाब दीजिए, सुन लो लीजिए और लेकिन आम आदमी पार्टी ने 75 जिलों में आंदोलन किया है लगातार। आप बताइए किस आंदोलन में संजय सिंह साहब थे? नहीं, नहीं, किस आंदोलन में अरविंद केजरीवाल थे? किस आंदोलन में लीडर थे? हमारे स्थानीय लीडर, हमारे नेता, हमने नेतृत्व को डेवलप किया है। अच्छा, जिला लेवल के ऊपर, ब्लॉक लेवल के ऊपर, चेयरमैन के लेवल के ऊपर हमने नेतृत्व क्षमता को बढ़ाया है और अच्छा, लोगों को मौका दिया अपना आवाज रखने के लिए। अच्छा, संजय सिंह पे हमें गर्व है,
कि हमारे सबसे घर में आपके बड़े नेता हैं भाई, मैं बता रहा हूं भाई, मैं आपको याद दिला रहा हूं, जिस तरह संजय सिंह बोलते हैं और बात रखते हैं हमें हमारे लिए भाई, यहाँ पर मैं वही बता रहा हूँ कि जो पार्टियां होती हैं उनके तमाम नेता जो कि सिरमौर रहते हैं वो पार्टी को लीड करते हैं, तो यहाँ प्रियंका गांधी लीड कर रही, तो आपको डर क्यों हो रहा भाई? नेतृत्व वो है जो नेतृत्व क्षमता का विकास करे, अच्छा अपने ऊपर डिपेंडेंट ना रखे, अच्छा नेतृत्व क्षमता का विकास होना बहुत जरूरी है। चलिए ठीक है, आपका कहना समाजवादी पार्टी भी नहीं बोल पा रहा है, ठीक है, पक्ष नहीं रख पा रही, अरे सेकंड लाइन लीडरशिप मांग रहा है, वो आपके पास भी नहीं है, ठीक है, आपके पास भी नहीं है वो लीडरशिप, मुझे बिल्कुल है, नाम गिना दीजिए, बहुत से लोग नाम गिना दीजिए, हमारे पास 500 लोग हैं जिनका मैं आपको नाम गिनाऊंगा, अभी टाइम गुजर जाएगा आपका, गिना दीजिए, हमारे पास सेकंड लाइन लीडरशिप नहीं होती जी, तो क्या हम इतने आप मुझे नाम गिना, आप बताइए अगर हमारे सेकंड लीडरशिप नहीं होती, फर्स्ट लाइन है यार, एक प्रधानी तो है नहीं, हमने बताया नहीं, बता रहे आपसे पूछ लीजिए, अगर हमारे पास सेकंड लीडरशिप नहीं होती तो क्या हम पंचायती का इलेक्शन विधायकी का इलेक्शन बिना सेकंड लाइन लीडरशिप लड़ पाते? जमानत जब्त कराने के लिए लड़ते हैं, लड़ता भाई बहुत जमानत से तो बीजेपी का, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप हमारे पिछले से बताएंगे लड़ने का मतलब, ठीक है, ठीक है, तकी भाई पार्टी वही जाती है जहाँ मजबूत है, मतलब गुजरात में कितनी सीटों जीते आप, गुजरात में लड़ने गए थे आप, गुजरात में सुनिए आप इतना हंगामा करके और लक्ष्मी गणेश जी और हनुमान जी का जो पैक कर लिए थे, छोटे भाई बड़े भाई बन के गए थे आप, बीजेपी हो गया था, आप कितने जीते हैं, आप कितना जीते हैं, हम बहुत जीते हैं, दिल्ली में जीते, पंजाब में जीते, गोवा में जीते, गुजरात में पांच खाका छोड़ा, राष्ट्रीय पार्टी बन गए हम 10 साल के अंदर, सुन लीजिए इनकी राष्ट्रीय पार्टी का वो तो तक, हम इतने इलेक्शन लड़े हैं समाजवादी पार्टी के इलेक्शन अपने पूरे राजनीतिक जीवन में लड़ी होगी, आप तो विद्वान आदमी है ना जी, जो इनकी पंजाब दिल्ली गुजरात कुल जोड़ दीजिए जी, और ये भाग है कि चुनाव आयोग का मानक है कि भाई उतने राज्यों में इतना पा जाइएगा, और हमारे जितने विधायक है जितना हमको मत पड़ा है जी, उसका कितना प्रतिशत है सरकार, उसके बाद भी उत्तर प्रदेश से बाहर, अरे अब हम नागालैंड बड़ी सुनिए सुनिए सुनिए, अरे मैं बता रहा हूँ, आप नागालैंड मणिपुर मिजोरम चार स्टेट में आ जाइए, नागालैंड मणिपुर मिजोरम में आ जाइए, आप राष्ट्रीय हो जाएंगे, पास के राज्यों में नहीं, आपको भ्रम है, मैं बता तो रहा हूँ, महाराष्ट्र जा पाए, पूरा पंजाब, अरे सुनिए हमारा परिवार है, हम अकेले केजरीवाल वहाँ जाके बीजेपी जी का काम करें, पूरा हम तो जाएंगे, हमारा जनता परिवार है, हम वहाँ क्यों जाएंगे, हमारा वहाँ स्टालिन लड़ेगा, ममता बनर्जी लड़ेंगे, हमारा वहाँ नीतीश कुमार लड़ेंगे, हाँ आप जाके विपक्ष से लड़के भाजपा की सरकार बनवाएंगे, क्यों जाते हैं गुजरात, गुजरात में जब आपका कोई है नहीं, क्या जाते आप, क्यों जाते हैं गुजरात, यहाँ बैठ के प्रियंका जी की शिकायत कर रहे हैं मोदी जी के बजाय, कह रहे प्रियंका जी बत्तख है, आपकी नीयत साफ हो गई, आप जो है देखिए ये मोदी जी योगी जी का नाम लेने के बजाय ये प्रियंका जी पे हमला कर रहे हैं, ये अखिलेश जी पे हमला कर रहे हैं, तो ये तो पता चल गया किसकी बीटी है, ये चाचा हैदराबादी वाली बात कर रहे हैं, ये देखिए जाने या अनजाने में आप टूल बन गए भाजपा के, आपकी बात से स्पष्ट हो गया, आप सुनिए, अरे आप भाजपा के प्रोडक्ट है, संघ ने आपको बनाया है उसी के लिए लड़ते हैं, आप प्रियंका जी पे बात कर रहे हैं, दिलीप भाई आपने सबकी बात सुनी और सबकी आपने देखा भी, और आपको सब जानकारी है कि क्या स्थिति है और कैसे ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी राय क्या है, क्योंकि मैंने तो अपनी राय बता दी है सबके सामने, दिलीप भाई गौरव जी, हर राजनीतिक पार्टी की यही विडंबना है कि बात अगर पूरब की होगी तो खींच के पश्चिम ले जाएंगे और पूरब के मुद्दों को भटका देंगे, बिल्कुल, ये जो आज की डिबेट है ये आपने रखी है नगर निकाय और पंचायत चुनाव, और बात कहाँ की हो रही है, बात हो रही है गुजरात की, पदयात्रा की, पंजाब की, सीबीआई की, ईडी की, फलाने की, ढिकाने की, जिसका इस चुनाव से कहीं कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, बिल्कुल एक फैक्ट है जो सारी राजनीतिक पार्टियां समझेंगी तो, लेकिन उसको एडमिट नहीं करेंगी, स्वीकार नहीं करेंगी, बिल्कुल सही बात, हर राजनीतिक पार्टी एक ही भाषा बोलती है, फर्क सिर्फ इतना होता है कि अपने अपने पक्ष में बोलती है और मुद्दों से अलग बोलती है, ना तो भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय चुनाव में ये बात करेगी कि हमने कितनी सड़कें बनवाई, कितना शुद्ध पानी पीने को दिया, शिक्षा व्यवस्था में हमने क्या किया, नालियां कहां तक आई, आज जरा सी बरसात हुई है, आज ही का हाल देख लीजिए, जरा सी बरसात में सारे कलई खुल गई, तो सत्यता ये है कि जब किसी की भी सरकार आती है हर राजनीतिक पार्टी थोड़ा बहुत काम जरूर करती है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उतना काम नहीं करती है जितना वो दावा करती है, और अगर उतना काम करती तो सिर्फ मुद्दों पर बात करती,
मुद्दों पर बात नहीं करती है, बल्कि ये बताएगी कि हमने बेरोजगारी हटा दी। सत्ता कहेगी हमने बेरोजगारी हटा दी, विपक्ष कहेगा पूरा देश बेरोजगार हो गया। सत्ता कहेगी हमने 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना दी, विपक्ष कहेगा हमारे देश की इकोनॉमी खराब हुई, डॉलर बढ़ गया, रुपया गिर गया। जबकि इकोनॉमी का, बेरोजगारी का, कानून व्यवस्था का, फैक्ट्री लगने का, रेल बिक जाने का, इन सारी चीजों का, इन सारे मुद्दों का नगर निकाय चुनाव से लेना देना नहीं है। बिल्कुल सही बात है। नगर निकाय के मुद्दों को ना तो विपक्ष कभी हाईलाइट कर पाता है और ना सत्ता उस पर बात कर पाती है, जब जो जो पार्टी सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे। क्योंकि सत्यता ये है कि रूटीन में काम सब करते हैं, स्पेशल काम कोई नहीं करता है। और आप लखनऊ छोड़ दीजिए, पूरे प्रदेश का हाल देख लीजिए और प्रदेश में नगर निगम की सीमा के बाहर जाकर के हाल देख लीजिए। शुद्ध पीने का पानी कभी नहीं है, ना है और ना होगा। जी। पानी का चार्ज हमसे जरूर लिया जाता है, बढ़ा के लिया जाता है। जी। हाउस टैक्स का हमसे बढ़ा के लिया जाता है, लेकिन भले हमारे घर में वो सुविधाएं ना मिल पाए, मूलभूत सुविधाएं ना मिल पाए, लेकिन हमसे टैक्स जरूर लिया जाएगा। अभी देखिए 6-8 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी ने हाउस टैक्स और वाटर टैक्स को जीआई सर्वे करवा करके, वो ड्रोन से सर्वे करा करके, बिना किसी आधार के सबका हाउस टैक्स और वाटर टैक्स 3-4 गुना बढ़ा दिया। जी। लेकिन कोई पार्टी इस चुनाव में इस मुद्दे को लेकर के नहीं आ रही है। जी ठीक है, ठीक है। अभिमन्यु भाई जी कुछ बोल रहे थे। अभिमन्यु जी आप कुछ बोल रहे थे। जी गौरव जी, पहले तो मैं तकी साहब की बातों का जवाब देना चाहूंगा, उसके बाद मैं मूल मुद्दा जो है नगर निगम उस पर बात करूंगा। ठीक है तकी साहब। लेकिन मेरे तकी साहब, आपके साथ मैं कई बार डिबेट में बैठा हूँ, कभी ऐसी बात नहीं हुई कि आपने निम्न स्तर की बात की हो। जी। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूंगा कि मैं अगर आपके नेता को गिरगिट क्या हूँ, शुकर क्या हूँ, कुकुर क्या हूँ, मेंढक क्या हूँ, तो ये शोभा नहीं देगा। आप मेरी बातों को कम में ज्यादा समझ लेना, या मैं उस मर्यादा को वहां लेकर जाऊं। जुबान तो खोल देना बहुत आसान है, लेकिन आप अपने घर के पार्टी के और सोबत जो दिखाना है का यहाँ प्रयास कर रहे हैं, क्या बात है? उसको ये सभ्य समाज कभी भी उसका स्वागत तो नहीं करेगा। अब मैं मेन मुद्दे पर आऊं। देखिए ये स्थानीय चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे करे थे वो वादे पूरे नहीं हुए। अभी मई में बिजली का दाम बढ़ने वाला है। जी। इन्होंने कहा स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी में कूड़े का ढेर हो चुका है, पहाड़ बनने लगे हैं चारों ओर, मल्टी लेवल पार्किंग का वादा था। जी। हर शहर में पार्किंग की व्यवस्था ही नहीं है, अतिक्रमण हर जिला, हर शहर, हर नगर पालिका, नगर पंचायत में चारों ओर बढ़ चुका है। इसी तरह मच्छर का प्रकोप लगातार जारी है। कहीं कोई इनके पास जो रिपोर्ट कार्ड है उसमें ये फेल हो चुके हैं, इसलिए मोदी जी और योगी जी के नाम पर ये मेयर का चुनाव, ये नगर पालिका नगर पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा। परफॉर्मेंस पर नहीं लड़ पा रहे, जबकि हकीकत की बात ये थी कि ये काम करते और अपना परफॉर्मेंस बताते कि हमने ये काम किए तो हमको वोट दीजिए। अच्छा। वो काम इन्होंने किया नहीं है। जी। गंगा की सफाई की वादा था वो वादा नहीं हुआ, एसटीपी प्लांट चल नहीं रहा बनारस में भी, खुद सरकार की नाक के नीचे काम नहीं हो पा रहा है, बिजली निर्माण कितना हो रहा है सब लोगों को पता है। जी। जो पहले 5% हाउस टैक्स लिया जाता था और लगातार वर्षों से बढ़ाया नहीं गया था, इनकी सरकार में 10% हाउस टैक्स लिया जा रहा है, वाटर टैक्स का रेट बढ़ा दिया गया है, 32,000 करोड़ रुपए सरकारी कर्मचारियों का भत्ता सरकार ने रख लिया। जी। और आम जन से, हमसे और आपसे भी इनडायरेक्ट टैक्स लिया जा रहा है, हर मद से लिया जा रहा है, उसके बावजूद हाउस टैक्स बढ़ाया जा रहा है, उसके बावजूद वाटर टैक्स बढ़ा जा रहा है, काम ये कर नहीं रहे, भ्रष्टाचार का अड्डा नगर निगम बन चुके हैं। खुद आगरा से विधायक ने जो भारतीय जनता पार्टी के लिखित में शिकायत करी नगर निगम में भ्रष्टाचार की, मेरठ में नगर निगम की सदन तक में लगा आरोप की 40% का कमीशन है, कानपुर में भी इसी तरीके का आरोप, लखनऊ तक में आरोप, तो सब लोग जानते हैं भ्रष्टाचार का अड्डा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नगर निगम बन चुका। जवाब लेता हूं। और संसाधनों के और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की झंडा लगी गाड़ियां चल रही है, मंत्री पूरे एस्कॉर्ट और सुरक्षा लेकर चल रहे हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं, कहीं कोई रोक टोक नहीं है, पूरा का पूरा चुनाव सब लोगों के सामने आ रहा है, किस तरह से शासन सत्ता की हैगड़ी से चुनाव लड़ा जा रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है। विवेक भाई जी, अभिमन्यु भाई तमाम बातें कहे, सही मोहम्मद तक की तमाम बातें कहे, और जयप्रकाश पांडे ने कहा, क्या जवाब है आपका? देखिए ना तो कांग्रेस की कोई जमीनी स्थिति है, जी, ना आम आदमी पार्टी की कोई जमीनी स्थिति है। अच्छा। ये लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा करके जी चाहते कि कम से कम इनके ऊपर भी कुछ फोकस हो जाए। अच्छा अच्छा, चर्चा बने रहना चाहते हैं बस।
अच्छा, आरोप प्रत्यारोप लगाने से कुछ नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम नगर निगमों में जिस तरह का सुशासन दिया है जी, कांग्रेस बार बार कह रही 40% से नीचे का काटा ही नहीं रहा है जी। अब यही तय कभी कभी कहते कर्नाटक में 40% चल रहा, बता रहे नगर निगम में 40% चल रहा है जी। तो ये 40% कहाँ का कमीशन बता रहे हैं, वो फोर्स वाला बता रहे हैं कि कांग्रेस शासन वाला बता रहे हैं, यूपीए वन वाला बता रहे हैं कि यूपीए टू वाला बता रहे हैं, कर्नाटक में आरक्षण बता रहे हैं, क्या क्लीन चिट दे दी, क्या बता रहे हैं, एजेंसी आपके पास है जी। अब विषय ये है कि ये कहाँ की बात कहाँ कर रहे हैं, ये बेहतर समझेंगे। अच्छा, रही बात स्मार्ट सिटी की जी, सीवर की, मल्टी लेवल पार्किंग की जी, तो लखनऊ में जाके देखा कितनी मल्टी लेवल पार्किंग इसमें एग्जिस्ट कर रही है, जहाँ हम आप बैठे यहाँ से कुछ ही दूरी पे मल्टी लेवल पार्किंग बनी हुई है जी। तो ये सब चीज़ें बताने की भी है, दिखाने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत से काम है। अच्छा, जिस तरह से कूड़े के निस्तारण की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुई है, इसके पूर्व ये सब चीज़ें नहीं थी। अच्छा, इस तरह से बाजारों में आज दोनों मीटिंग झाड़ू लगने का काम भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ है जी, इसके पूर्व में चीज़ें नहीं देखी गई जी। अब हमारे बाजार पहले से ज़्यादा साफ सुथरे दिख रहे हैं, मैंने खुद अपनी मेयर को देखा, संयुक्ता भाटिया जी पूर्व में मेयर थी, किस तरह से 5 बजे सवेरे दौरा करती थी कि कहाँ झाड़ू लग रही कहाँ नहीं लग रही जी। और जिस तरह से हमने अपने ऐसे लोगों को इस बार मैदान में उतारा है जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी में जिनका एक लंबा कार्यकाल रहा है जी, सारे कार्यकर्ता जुट करके उनको जिताने के काम में लगे हुए हैं जी। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जनता से सीधा संवाद। जयप्रकाश पांडे क्यों बोल रहा है पाप का घड़ा भर गया है? देखिए, बार बार तथाकथित नाम बोल रहे हैं, इमेज बोल रहे हैं, मोदी जी की इमेज खत्म हो चुकी है। देखिए, भड़ास, भड़ास दर्द, दर्द है। अभी तो थोड़ा सा पांडे जी पढ़े लिखे आदमी है, अच्छा कुछ कम बोल रहे हैं। अच्छा, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता क्या है, भेगो भेगो दे रहे हैं आपको? कांग्रेस के प्रवक्ता तो गाली वाली देने लगते हैं। अच्छा, मोदी जी के शुरू करते हैं, पता नहीं कितनी कितनी गालियां देते हैं। अच्छा, समस्या ये है कि विपक्ष को कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, दिखाई नहीं दे रहा है। मोदी जी के आभा मंडल को विदीर्ण करने का कोई इनके पास मार्ग नहीं है। अच्छा, ये उसमें ढूंढ रहे की बात कर रहे थे, तमाम बातें, तमाम बातें। अरे अभी कुछ देर बाद गाली देना शुरू कर देंगे, थोड़ा पानी पढ़े लिखे इसलिए वो शब्दावली प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अब वो कांग्रेस के में तो शुरू कर देंगे थोड़ी देर बाद। अच्छा, तो ऐसा वो भी अच्छे प्रवक्ता है भाई, क्यों गाली बकेंगे? आम तौर पे गाली देंगे जो देखा जा रहा है। तो ये लोग अभी थोड़ी देर में मोदी जी गाली देंगे, भाजपा गाली देंगे, क्यों? इनके तो एक पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इनकी कुछ बोला उल्टा सीधा, फिर उनके लड़के ने बोला कांग्रेस की, और दोनों एक दूसरे की बात को रफू करते रहे जी। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि जब व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाता है, जब उसके शब्दकोश की सीमाएं समाप्त हो जाती है, तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है। आपका कहना है कि जयप्रकाश भाई समाजवादी पार्टी प्रवक्ता फ्रस्ट्रेट हो गए? समाजवादी पार्टी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपराधियों का सफाया किया है। अच्छा, और चुन चुन करके उनको उनके चुन चुन करके चुन 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 करके उनको निकाय पे और मुद्दा होगा संगठित अपराध का। बिल्कुल भाई, स्थानीय का दोष नहीं है। अरे भाई, स्थानीय निकाय तो योगी जी पूरा भाषण इसी पे। गौरव जी आप झाड़ू, साफ सफाई, सड़क नाली, खड़ंजा जो बात आप करना चाह रहे हैं, ये सब चीजें तब होगी। अरे मुद्दे अमर हो चुके बेबी भाई, मैं तो कह रहा हूँ मुद्दे अमर हो चुके हैं, मुद्दों का निस्तारण क्यों नहीं होता है? आप बात क्यों नाली सफाई अच्छी नहीं हो रही? गौरव जी जयप्रकाश जी बहुत हल्के से कह रहे हैं जी, विधानसभा चुनाव नहीं है, ये नगर पालिका चुनाव है जी। लेकिन ये मुद्दे इसलिए एग्जिस्ट करते हैं कि आप अपने मकान में जब रह पाएंगे, जब समाजवादी गुंडों से आपका मकान सुरक्षित रहेगा, तब तो साफ सफाई झाड़ू चिंता होगी। अच्छा, जब ये रहने नहीं देंगे। अच्छा, आपके मकानों पे कब्जे हो जाएंगे, आपकी जमीनों पे कब्जे हो जाएंगे, आपकी बहु बेटियां सुरक्षित नहीं चल पाएंगे, तो फिर सबसे बड़ी जरूरत तो कानून व्यवस्था की है। फैजुल्लागंज का नाम सुना होगा आपने, बड़ा फेमस जगह है फैजुल्लागंज, जहां डेंगू के मरीज होते हैं। फैजुल्लागंज नगर में, इंदिरा नगर में, पूरा लखनऊ में नर्सिंग होम डेंगू के मरीजों से भर गए थे। आप जाके आपने कितने डेंगू से क्या सीखा आपने? कहाँ डेंगू को रोक पाया? ना गोरखपुर में रोक पाया, चाहे योगी जी है, चाहे लखनऊ में रोक पाया, स्मार्ट सिटी है। सुन लीजिए, अरे डेंगू में जवाब देते मुझे, एक बस ये बात छोड़िए। सुन लीजिए, आप गोमती के कछार में जाके कॉलोनी बना लीजिए फैजुल्लागंज। हाँ। उसके बाद कहिए साहब, सरकार यहाँ सुविधा क्यों नहीं देती? तो कॉलोनी को ही प्रश्न चिन्ह लगा किनारे पूरा लखनऊ बसा हुआ है, विकास प्राधिकरण बसा हुआ है, तमाम चीजें हैं बहुत से। देखिए,
कुछ चीजें जिस तरह से आपने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में, तालाब पाट के टाउनशिपें बन गई, अच्छा। नदी के कछार तक में आपने कॉलोनियां बना डाली हैं, उसके बाद कही कि हमारे दरवाजे पानी लगता है, ये सब हंसाने के लिए ठीक लगती बातें, अच्छा। व्यवहारिक रूप से इस पे उसको कुछ ठीक करने के लिए बजट भी तो आता है हर साल, पैसा भी आता है ठीक करने के लिए, जो इस्तेमाल होता है जो स्थिति है। कानून व्यवस्था प्रदेश की बहुत बड़ी चीज है और आज उस कानून व्यवस्था के मुद्दे, यानी कानून व्यवस्था बढ़िया रही तो झाड़ू अच्छी लगेगी। अरे भाई जब घर में कानून व्यवस्था बढ़िया ठीक है उसके बाद नहीं कर रहे, आप सफाई कर रहे उसके बाद नहीं कर रहे, पर एक कानून व्यवस्था झाड़ू का सफाई का बड़बड़ाती नालियों का सीवर का क्या ताल्लुक है भैया? गौरव जी जब घर में गुंडे रहने देंगे, अच्छा जब आप कौन गुंडे आ गए? अरे क्यों क्या क्या आपके गुंडे आए क्या? क्या प्रदेश ने समाजवादी पार्टी का शासन नहीं देखा है? अच्छा। मकानों पे कब्जा, जमीनों पे कब्जा, खेत खलियानों पे कब्जा, ग्राम समाज की जमीनों पे कब्जा, वो नहीं देखा काल का? तो यहाँ पकड़ लेते हैं झाड़ू मत लगने देंगे कौन? अरे झाड़ू आप अपने घर में नहीं रहना पूरा पानी चलेगी ये झाड़ू। केजरीवाल का जो45 करोड़ का अरविंद केजरीवाल के घर में पर्दा लगा है 8 लाख का, 45 करोड़ का शीश महल तैयार है, राजनीति है मुलाकात करेगी वो तो अपने दिल्ली जनता के सीएम के लिए बनाया सुप्रीम कोर्ट तक बहुत अच्छा शेर है, जो आईने से मिला आईने में झुंझलाया, किसी ने अपनी कमी की तरफ नहीं देखा। अच्छा, आज की डेट में राजनीतिक पार्टियां अपनी आलोचनाओं को बर्दाश्त नहीं कर पाती, आलोचनाएं करती है, हमारी आलोचना की, मैंने सुनी इनकी बात, आप बर्दाश्त हो रही है, बर्दाश्त का हो रही है, जवाब दिया, लेकिन आप कह रहे हैं, आप बोल रहे हैं पर्दे में, आपसे काहे झाड़ रही है, आप कह रहे हैं जांच करा रही है उसकी, चलो ठीक है, पर्दा आपके घर में लगा, सच्चा हो रहा है, मनीष सुधीर क्या निकला, अरे भाई अगर वहाँ पर आप सही है तो प्रेस वार्ता करवा लीजिए अपने
आपको वो एफिडेविट याद है जो आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के तीसरी बार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिया था? बताइए, वो एफिडेविट आपके पास है? 45 करोड़ ये बता रहे हैं वो सीएम आवास था, 80 साल पुराना आवास हो गया था, उसकी छत दो तीन बार रेनोवेशन करा है, वहाँ पे डीडीए ने कहा कि इसको उसका उपचार नहीं, इसको तोड़ के बनाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, जो डीडीए ने जवाब मिल गया, 45 करोड़ बनता है जी, आज 45 करोड़ बनता है, हमने वहाँ हजारों करोड़ के अस्पताल बनाए हैं। चले ठीक है, 45 करोड़ बनाइए, मुझे पता है, मुझे पता है किसका बंगला कितने बनाया, मुझे पता है पर्दा कितने का लगा है क्या। ठीक है, हो गया सरकार जनता का प्रतिबद्ध है, हो गया तैयार है आरोपों से, हो गया भाई, और लोग भी हैं। यहाँ गरीब का आवास बनने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में जी 1,20,000 मिलता है जी, और मनरेगा के लिए अलग से बजट आ जाता है, करीब 1.5 लाख रुपया उसको मिल जाता जी। यहाँ 8 लाख से ऊपर के पर्दे लगे हैं, क्यों ना वो गरीब जाए उस पर्दे को नोच के लेते हैं, कम से कम 5 मकान गरीबों के मकान बन जाए, तैयार जांच करने के लिए नहीं। और दूसरी बात, लाखों करोड़ का घोटाला जो टेंडर में किया गया है, और जो 20,000 करोड़ बाहर से पैसा आया, सबसे ज्यादा पैसा नोच लाओ, सबसे ज्यादा पैसा एक पर्दे से कम से कम 5 गरीब बाहर से जो बाहर से आया, ऐसे पर्दे में क्या छिपा रहा है, उस पर्दे को नोच लाना चाहिए, 8-8 लाख के पर्दे को नोच के ले आना चाहिए। अगर उसका गरीब का मकान बन सकता है, गरीब का मकान बनवाना चाहिए उस पर्दे को बेच करके, 8 लाख के पर्दे से अगर अगर 5 गरीब का मकान बनता है, चलिए को नोच लाना चाहिए, हो गया नोच लाना, पर्दा हो गया, ठीक है पर्दे को नोच लाना चाहिए। अगर ये बात मेरे उत्तर प्रदेश की होती जी, तो मैं उसके आवास से पर्दे नोच लाता, लीजिए अब चूंकि दिल्ली का मामला है, मैं पर्दे नोच लाता हूँ, लीजिए पर्दे नोच, हो गया पर्दा डिबेट नहीं है देश में भाई, हो गया पर्दा की झोपड़ी बना रहा, हो गया भाई बहुत हो गया, जिस देश में अपराधी पीपल बनाई है, फूस की झोपड़ी बना रहा है, पीजे और काम नहीं बन रहा है, ठीक है हो गया, मुख्यमंत्री 8 लाख का पर्दा लगा के रह रहा है, हाय रे लोकतंत्र, हाय रे तेरा केजरीवाल, हाय रे तेरी डेमोक्रेसी, हाय रे तेरी डेमोक्रेसी, 8 लाख का पर्दा लगा के रह रहा है, अरे डूब मरो चुन्नू भर पानी में, भटके भाई दिवे भाई, अरे दिवे भाई मारो कहीं ना, हो गया अंतर प्रश्न भाई, दिवे गरम मत डूब मरो चुन्नू भर पानी, आवा ठीक कर दो, अरे लगा दो आग पर्दे में, ऐसे भ्रष्टाचार का बिल्कुल कह रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, दिल्ली की जनता को चाहिए मुख्यमंत्री निवास में आग लगा दे, अगर देश के जनता के 45 करोड़ के खून पसीने के पैसे से कोई मुख्यमंत्री ऐसा बना रहा है, 8 लाख का पर्दा लग रहा है, लोकतंत्र की हत्या है, और क्या है, लगा दो आग उस शीश महल में, लगा दो आग उस पर्दे में, अगर गरीब का मकान नहीं बन सकता, गरीब के मकान के लिए 1.5 लाख हो गया, और उस शीश महल में 45 करोड़ पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, यहाँ पर बड़ी गर्मी में बहस रही दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के बीच में, बोलिए
दिलीप भाई अच्छा कह रहे थे कि मूल डिबेट का जो विषय है, हम वही देख रहा हूँ, वही देख रहा हूँ, पर्दा आ गया, सबसे कम समय उसी को मिला। अपन समय उनका है। देखिए केजरीवाल, ये बात नहीं है, अगर जैसे मोदी जी 18 लाख का सूट पहने तो वो किसी को आश्चर्य नहीं होता है जी। लेकिन केजरीवाल जी पे आश्चर्य सिर्फ इसलिए, इनको गंभीरता सोचना चाहिए, उन्होंने गांधी जी का खिरका पहनने का प्रयास किया, जिसे गांधी जी खुद मतलब लंगोटी पहनते थे चरखा काट के, तभी देश को ये मैसेज दे पाते थे। क्योंकि जब आप सुचिता का ड्रामा करेंगे तो आपको वैसा करना पड़ेगा, करेंगे तो विनोबा भाव। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब ये जो चीजें हो रही है, क्योंकि अगर ये सच है जी, और सच तो है जी, तो नुकसान सिर्फ ये नहीं है, दिल्ली बहुत समृद्ध स्टेट है, आप बना लीजिए और 100 करोड़ का घर बना लीजिए, लेकिन आप जो प्रचारित करते रहे बैगन आर में चलना, मुफलर ले लेना, तो और जबकि आपकी नर्सरी आप IRS रहे हैं और आपकी नर्सरी अपार्टमेंट में हुई है, लेकिन एक गांव गरीब किसान का ओढ़ रहे तो वो बहुत बड़ा डेंट है। देखिए नहीं, मैं बता दू, सीएम का मंगला है वो, वहाँ की DD अथॉरिटी ने पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। चलिए ठीक है, ठीक है। देश के घर, गरीब के घर, गरीब का घर पक्का नहीं है, गरीब का घर पक्का नहीं है। चले हो गया, हो गया, हो गया भाई, आपने डिबेट खराब मत करिए, बिल्कुल हक रही है, डिबेट खराब मत करिए, प्लीज डिबेट खराब मत करिए, ठीक है। जब पका भाई अभी बात पूरी कर, फिर आपके दिलीप भाई को लेता हूँ जी। अगर ये सच है जी तो इमेज पे डेंट लगेगा देर सवेर, क्योंकि उनकी असली ताकत केजरीवाल जी की यही थी, क्योंकि अन्ना आंदोलन साधारण व्यक्ति बताया था। अब वो खैर डिबेट का विषय नहीं है जी, फिर कभी रखेंगे, और ये कभी रखूंगा, पर्दे पे रखूंगा, जितना पर्दे पे बोलना है मैं भी बोलूंगा, आप भी बोलेंगे। देखिए क्षरण हर पार्टी का हुआ, लेकिन पीढ़ियां गुजरी हैं जी। जैसे ऐसा नहीं है कि डॉक्टर लोहिया 3 आना 15 आना की बहस करते थे और डॉक्टर लोहिया ही 8 लाख का पर्दा लगा ले, ऐसा कभी नहीं हुआ। नेहरू जी, इंदिरा जी के दौर में तुरंत, अब ये तीसरी चौथी पीढ़ी में होता है, ठीक है। आम आदमी का ये है कि उनका जो वैचारिक यात्रा होती है, दिल्ली में रहेंगे तो चलिए गांधी जी का तो गांधी जी करते रहे, पंजाब में गए गांधी जी को हटा के और उनको बाबा साहब भगत सिंह को लगा लिए, और गुजरात में गए तो बाबा साहब को जमींदोज करके लक्ष्मी गणेश का नारा देने लगे। अच्छा, दिल्ली में इनका आया मंत्री, जब बाबा साहब की शिक्षा याद करने लगा तो उसे सस्पेंड कर दिए। तो ये मैं मानता हूँ कि मोदी जी को रियल में चुनौती अगर कोई दे सकता है झूठ बोलने के, बहुरूपिया बनने के स्तर पर, तो मोदी यो मतलब केजरीवाल शान वाला आदमी है। अच्छा, क्योंकि अगर वो कहते हैं कि मित्रों हिमाचल में सेना में था तो केजरीवाल वहां कहे, गुजरात में सुन तो लीजिए, अरे गुजरात में कहे कि मैं तो जन्माष्टमी के दिन पैदा था, अब अभी तो याद ही नहीं था, तो मुझे लगता वो बिहार जाएंगे तो कहेंगे ये तो छठी मैया के आशीर्वाद से पैदा था, तमिलनाडु जाएंगे तो कहेंगे अयो मुर्गन की कृपा से मैं पैदा था। और ये जो रास्ता है ये मोदी जी के रास्ते पे चल रहे हैं। अच्छा, तो भाई वो उनका ए टीम बी टीम माने जाते हैं, हमको उसमें कुछ कहना होना नहीं है, ठीक है। ये जरूर है कि स्थानीय निकाय में निश्चित रूप से सत्ता विरोधी रुझान है, और ये सब लोग जानते हैं कि भाजपा जब से आई है इन्होंने अनजाने में ही द्विदल मतलब भारत की व्यवस्था को द्विदली बना दिया। सूबे का चुनाव हो, चाहे बंगाल का हो, बिहार का हो, कर्नाटक का, कहीं भी होगा, भाजपा और उसके बरस एक ही दल होता है, बहुकोणी चुनाव उनाव नहीं होता। अच्छा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में 2022 में भी हुआ, 22 में क्या हैदराबाद वाले चाचा नहीं आए थे जी। क्या मतलब क्षेत्रीय दलों को नहीं लाया गया था जी। तमाम भाजपा ने बहुत प्रयास किया। अच्छा, कि वो निश्चित रूप से विभाजित हो जाए, जनता समझदार है, चेता मतलब जनता समझदार है। अच्छा, इसलिए यह चुनाव भी भाजपा के बरक्स हमारे बीच है, और अगर इनको जैसा मैं बता रहा था कि वोट का प्रतिशत तीसरी सरकार में बहुत कम रहता है, और निश्चित रूप से बड़ा उलटफेर होने जा रहा है, जैसे दिल्ली में इनका कब्जा साफ हुआ, तमाम मोदी जी के आभा मंडल से उनके चिराग तले ही अंधेरा हो गया। भाई दिल्ली तो मोदी जी का क्षेत्र है, इनके खुदा है, तो यहाँ भी वही होना। दो तो हमारे NCR के ही क्षेत्र है, नोएडा गाजियाबाद, और पूरा पश्चिम प्रभाव डालेगा। और मादरे हिंद की बेटियां जो बैठी है वो उनमें इनका विनाश काले विपरीत बुद्धि है जी। ये उनसे संवाद नहीं कायम कर रहे हैं, उनके सम्मान की रक्षा नहीं कर रहे हैं, तो आधी आबादी पूरी की पूरी तरह समाजवादी पार्टी के साथ है। अभिनव भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? अभिनव त्यागी जी,
अब अनिल त्यागी के साथ चले गए, ठीक है। दिलीप भाई अपनी बात पूरी करिए। दिलीप भाई अब आखिरी विश्लेषण आपको करना है जी, पूरा आपका समय आपका। सवाल दोहराइए ना जी। दिलीप भाई यहाँ पर सबकी बात जी, यहाँ पर सपा प्रवक्ता कहना है कि बीजेपी का यहाँ पर अंत है, अब बीजेपी यहाँ पर समय के बदल के हारने वाली है, पाप का घड़ा भर चुका है। सैयद मोहम्मद तकी का अपनी बात है, हालांकि पर्दे पर गर्मा गर्म बहस जरूर हुई, पर पर्दा किसका है और कितने का है ये शायद जनता भी जानती, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, पर यहाँ बात निकाय की है। निकाय में आपकी स्थिति क्या बोलती है, समीकरण क्या बोलते हैं, क्योंकि सपा प्रवक्ता जयप्रकाश पांडे यहाँ पर बीजेपी पर ध्रुवीकरण का आरोप भी लगा रहे हैं कि यहाँ पर बहुकोणीय नहीं बल्कि द्विकोणीय चुनाव हो रहा है। गौरव जी, ये जो स्टेटमेंट्स हैं जो पार्टी के प्रवक्ता बैठ करके दोहरा रहे हैं, ये पुराने स्टेटमेंट, और यही स्टेटमेंट नगर निकाय चुनाव में भी, विधायकी के चुनाव में भी, सांसदी के चुनाव में भी यही स्टेटमेंट दोहराए जाते हैं जी। हर पार्टी के प्रवक्ता को, मुझे लगता है कि जब पार्टी किसी को प्रवक्ता बनाती है या मीडिया में पैनलिस्ट बनाती है, तो थोड़ा उसको शिक्षा और थोड़ा ज्ञान भी देना चाहिए, थोड़ा पढ़ाना भी चाहिए कि जब किसी विषय पर बोलना हो तो उस विषय पर क्या बात करनी ये भी मालूम होना चाहिए। बिल्कुल। हर पार्टी के प्रवक्ता को नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूं कि हर स्टेट में एक डायरेक्टरेट ऑफ लोकल बॉडीज होता है, नगर निकाय निदेशालय जिसको कहा जाता है, और वो डायरेक्टरेट ऑफ लोकल बॉडीज का एक सिटीजन चार्टर होता है जी। दिलीप भाई जी, दिलीप भाई क्या संपर्क कट गया आपसे? दिलीप भाई शायद, दिलीप भाई संपर्क कट गया, दोबारा जोड़िए। दिलीप भाई दोबारा जोड़ दिया जाए, दिलीप भाई तत्काल जोड़ा जाए। लाइट से जी बढ़ जा रहा है जी। दिलीप भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी, बोलिए दिलीप भाई, बोलिए जी। दिलीप भाई बोलिए, दिलीप यशवर्धन जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही, बोलिए। उनको नहीं जा रहे तो दिलीप भाई दोबारा जोड़े, उनको नहीं जा रही नहीं, दिलीप उनका कनेक्शन कट गया है, दोबारा जोड़ दीजिए, तत्काल जोड़िए जी। तब तक हम स्क्रीन पर बात करते हैं जयप्रकाश पांडे से। जयप्रकाश भाई अपनी बात बोलिए। नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि जो इस बात पे सहमति है कि ये देखिए इनका निश्चित रूप से ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो मैं पहली लाइन में कहा कि देखिए जो एंटी इनकम्बेंसी है वो भी कलेक्टिव है, जो इनकी ताकत है वही इनकी कमजोरी भी है जी। अगर निश्चित रूप से इनके बुलडोजर के भटकने का रोष है, क्योंकि अगर ये कह रहे हैं कि माफिया मुक्त हुआ है, और अगर कानपुर के परमिला दीक्षित ने यहाँ दीक्षित की झोपड़ी माफिया नजर आती है, तो स्वाभाविक है कि उसका रिएक्शन तो होगा। और जिस गुंडई की ये बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से आप एकाध को मिट्टी मिला दिए, लेकिन जो 60 की लिस्ट जारी किए हैं आप तो ये वन डिस्ट्रिक्ट वन भाजपाई माफिया की पॉलिसी पे चल रहे हैं। एक जिले में भारत उत्तर प्रदेश की ये खासियत है कि निश्चित रूप से गैंगवार है, दो दो तीन तीन माफिया सक्रिय होते हैं, कोई ऐसा जिला ही नहीं कि पूरा जिला कब्जा कर ले। आप उसी इलाहाबाद जोन की बात अगर कर लीजिए तो निश्चित रूप से देखिए तो अतीक अहमद के बगल में ही सोनभद्र भदोही के क्षेत्र में अगर विजय मिश्रा अपराधी थे तो निश्चित रूप से ये विनीत सिंह क्या थे? विनीत सिंह के साथ आप फोटो खिंचाएंगे। ब्रिजेश सिंह के परिवार को ये कहते हैं किसने विधायक बनाया? अच्छा। ब्रिजेश सिंह के परिवार के सुशील सिंह क्या हैं? और तो और इन्होंने अपनी पार्टी के घोषित उम्मीदवार को हरा के एमएलसी अन्नपूर्णा सिंह को बना दिया, क्योंकि पिछड़ों को तमाचा दिखाना था कि तुम्हारी औकात कहां, तुम एमएलसी बनोगे। तो ये है कि पूरी की पूरी लिस्ट उठा के देख लीजिए, चाहे ब्रिजेश सिंह को सुरक्षा डिप्टी सीएम की मिली है, धनंजय सिंह तो क्रिकेट खेलने के लिए, वो तो बच्चे हैं, अब उनको अपराधी कैसे कह सकते हैं? राजा भैया सत्याग्रही ठहरे। और निश्चित रूप से इनके जो और अपराधी हैं, वो भूदान आंदोलन से जमीन लिए हैं, उनकी कॉलेज मत देखिए भैया, चूंकि उनका जमीन कहाँ कब्जा किया गया। तो ये इस तरह से ये बड़ी सोची समझी रणनीति है, चूंकि ये वो पार्टी है जो हिंदू कोड बिल का विरोध करी, जो ये पार्टी चाह रही है कि अपने स्थानीय गुंडों के बल पे ये टीएन सेशन से पहले दौर में लौट जाए और बूथ कैप्चरिंग कराए। पहले पुलिस, एक तो माफिया स्टेट हो गया है तो पुलिस से गुंडाई कराएंगे, और पुलिस से गुंडाई का आधार है एक दिन ही चुना हुआ मैनपुरी खतौली और रामपुर का 20% वोट आप कम करा दिए, अल्पसंख्यक जमात में कहीं वोट नहीं पड़ेगा, 54% पड़ा खतौली में मैनपुरी में, और वहां 20% कम हो गया रामपुर। तो कुछ काम तो इनकी गुंडा पुलिस करेगी, चूंकि इंद्रपति की हत्या अपहरण रंगदारी ये सब पुलिस करती है, और बाकी काम ये जो गुंडे पाले हैं जिले जिले में भाजपा के माफिया, इनके मित्र माफिया शत्रु, आप माफियों को अगर मुक्त कर देते पूरी प्रजा आपकी पूजा करती, लेकिन आप जो ये सेलेक्टिव
अच्छा अप्रोच अपनाए हैं कि विजय मिश्रा के आगे मिश्रा लगा है तो अपराधी है, लेकिन विनीत सिंह तो अपना है, फोटो खिंचा लेंगे बाबा। अच्छा विजय, अरे कैसे भैया, ब्रजेश सिंह अपराधी होंगे, मुख्तार जरूर राष्ट्रद्रोही है, जो ब्रजेश सिंह दाऊद के लिए हत्या करें ठीक है, टाटा के तहत कोई जेल जाए वो ठीक है, वो आतंकवादी नहीं है। अच्छा लेकिन हाँ, अरे मुसलमान है जी तो वो होगा, ब्राह्मण से तो खैर रहना ही नहीं पृथ्वी पे उसको, तो इसलिए ये माना जाता है कि ये सेलेक्टिव जो अप्रोच है आपकी ताकत नहीं है, जनता जानती है, डरा दिए आप ठीक है, लेकिन डरा के आप ये ना सोचिए कि आपके साथ है, बदला बैलेट से ले लेगी, बड़ी बड़ी हुकूमतें चली गई हैं, आपका अंत सुनिश्चित है। बिल्कुल ठीक है। दिलीप भाई आखिरी कमेंट आपके द्वारा होना है, आपका संपर्क टूट गया था। दिलीप भाई बोलिए जी 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 बोलिए 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 दिलीप। मैं ये कह रहा था, अभी कहते बात समाप्त करने का टाइम आ गया, मैं अपनी बात को दूसरी तरफ लेके जाता हूँ। जी जी मेरा कहना ये है कि एक सिस्टम है जी जी जी। दिलीप भाई आपका संपर्क स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, आपकी बात मुझे स्पष्ट नहीं आ रही है, और इसी के साथ मैं चर्चा खत्म करता हूं, क्योंकि आज चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा थी निकाय चुनाव को लेकर। आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहां जो चर्चा है वो महत्वपूर्ण थी, और वो चर्चा थी निकाय चुनाव में कल मतदान होना है, पहले चरण का कल 4 मई 2023 है, उसका 11 मई 2023 और 13 मई 2023 को परिणाम आएंगे। पर यहाँ पर जो चर्चा का विषय रहा वो भटक के पर्दे पर चला गया, कानून व्यवस्था पर चला गया और बतख जैसी संज्ञा पे चला गया। खैर यहाँ चर्चाएं अलग है, पर यहाँ पर सबसे बड़ा जो प्रश्न है वो है जनता जनार्दन का। जनता जनार्दन यहाँ पर जनाधार देने वाली है, और मैं इस प्राइम डिबेट के माध्यम से जनता से यही भी अपील करना चाहूँगा कि अपने जो प्रत्याशी है उसको चुनते समय अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख के अपने बुद्धि विवेक के हिसाब से जो प्रत्याशी अच्छी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का हो, अगर अच्छा है, पढ़ा लिखा है, वो आपको लगता है कि वो आपके लिए बेहतर काम कर सकता है आपके वार्ड में, आपके नगर पंचायत में, आपके नगर पालिका में, तो उसी को वोट दें, क्योंकि ये चुनाव गली की सरकार है, शहर की सरकार है, ये चुनाव विधानसभा का नहीं, ये चुनाव राज्यसभा का नहीं, ये चुनाव लोकसभा का नहीं, बल्कि चुनाव आपके मोहल्ले का है, और यहाँ पर विजय उसको दिलाना जो आपके लिए काम करता नजर आए, जो आपके लिए हमेशा मुहैया हो, आपके सुख दुख में खड़ा हो, वो आपकी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करता हो। चर्चाएं चलती रहेंगी, आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, पर निकाय चुनाव को देखते हुए मतदान बहुत जरूरी है। मतदान करिए, खुल के करिए, और सही प्रत्याशी का चयन करिए, क्योंकि अगले 5 साल वही आपकी सेवा करने वाला है। वो सेवा उसकी होगी या आपकी होगी, वो आने वाला वक्त वो आपका मतदान निश्चित कर देगा। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार।